हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटनेस यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्शिया। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सेल में कैसे सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, इजिएस्ट मेथड यूज करके, इजिएस्ट ट्रिक की मेथड यूज करके। आपको डेटा में जाके टेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप शॉर्टकट की यूज करके भी अपने डेटा को क्या कर सकते हो, आप स्प्लिट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ही इसमें सभी एड्रेस दिया है, बैंगलोर कर्नाटका, पिन कोड मैंने एड किया है। इसको मुझे दूसरे सेल्स में स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए इधर पे मुझे यूज करना है शॉर्टकट की यूज करना है Alt AE। शॉर्टकट की आप यूज करोगे तो इधर पे टेक्स्ट टू कॉलम आ जाएगा। इधर पे टेक्स्ट टू कॉलम डायलॉग्स वर्क में जाके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करने से आप देख सकते हो, इधर देखिए टैब और कॉमा के ऊपर क्लिक करने से ये आप दूसरे दूसरे सेल्स में स्प्लिट होके दिखा रहा है। फिर से एक बार आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके भेजोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, दूसरे सेल्स में स्प्लिट हो रहा है सेम एज इट इज। अब मैं इस नेम को भी करके दिखाऊंगी, मिडिल और लास्ट नेम को भी करके दिखाऊंगी। सेम शॉर्टकट की यूज करना है Alt AE। उसके बाद में जाना है आपको नेक्स्ट देना है। नेक्स्ट देने के बाद इंक्लूडिंग टैब एंड कॉमा मैं इधर पे स्पेस भी लगा दूंगी तो ये दूसरे सेल्स में स्प्लिट होके दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फिनिश हो गया तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो Alt AE करके। आप इजिएस्ट वे से अपने एक ही सेल को क्या कर सकते हो, मल्टीपल सेल्स में स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताती रहूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। बाय बाय।